नगर पार्किंग में चालान काटने का मामला था, जिसमें इंजीनियर छात्र ने का जो चालान काटा गया था। एसआई श्रीराम दुबे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इंजीनियर छात्र ने चालान काटने से नाराज होकर एसआई को चाकू मारा था। एसआई श्रीराम दुबे की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, इंजीनियरिंग के छात्र का चालान काटना मौत का सबब बन गया। एसआई के लिए चालान काटने से गुस्सा इंजीनियरिंग के छात्र ने उन पर चाकू से हमला किया था। आज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी आज मौत हो गई। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, ये तस्वीरें आइए आपको सुनवाते हैं। वहां पर उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट जो उसका लेके आया तो एक तो डायबिटीज पेशेंट है, उनका इतना ज्यादा ऑपरेट कर दिया तो वो खुद जो घबरा गए थे और रेगुलर देखा था वो ज्यादा घबरा रहे थे और कल तो उसमें एकदम से ज्यादा हड़बड़ी में कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को। खुद बोल से बुझा के छुट्टी कराओ, छुट्टी करा ले दो। सुबह मॉर्निंग उनकी मतलब अच्छे खाया भी, लेकिन शाम के टाइम आते आते वो जाकर खाते गए और फिर डॉक्टर वहाँ पे जो भी थे उस टाइम तो वो क्लियर को देख नहीं रहे। तो फिर मैं शाम के टाइम उन्होंने बोला है कि आपको टाइम मान लेता है ऐसा एक चीज मेरे से पहले कह रहे थे कि उनको उसका मतलब मिल गया था कुछ तो मैं क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है ट्रीटमेंट नहीं मिला जाएगा, लेकिन हाँ अगर डॉक्टर लोग पॉइजन का मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनको हाँ उनकी जो अल इंटरनल साइड उसमें लीकेज हुआ वो लीकेज सारा उनको हुआ। भोपाल के यातायात सब इंस्पेक्टर श्रीराम दुबे ने चेकिंग के दौरान एक इंजीनियर छात्र का चालान काटा था और ऐसे में साइको जो छात्र था उसने चालान कटवाने के बाद श्रीराम दुबे सब इंस्पेक्टर ऐसे में उनका उपचार चल रहा था और हम सब मौजूद हैं भोपाल के हमीर हॉस्पिटल में, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिर्फ 600 रुपए के चालान के कारण एक साइको छात्र ने सब इंस्पेक्टर को छुरी मार दी थी, जिस बाद दुबे के परिवार ने तकरीबन दर्जन तक हॉस्पिटल में सफर किया और उपचार के दौरान श्रीराम दुबे की मौत हो गई। यातायात पूरा स्टाफ और भोपाल पुलिस यहाँ मौजूद है और भोपाल में यहाँ मजदूरी है, इन तस्वीरों को आपको दिखा रही है और ऐसे में बड़ी घटना है कि यातायात श्रीराम दुबे जब चेकिंग कर रहे थे ऐसे में किसी का चालान काटने के बाद छुरी लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई। कैमरामैन साजिद के साथ सुमित कुमार चावला, न्यूज़ 1 भोपाल। जनता के देश विरोधी नारे हैं।